अब देखो नेक्स्ट पार्ट शुरू करें हम लोग। हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो अब हम रेडिएशन वाला पार्ट शुरू करने वाले हैं, पर उसके पहले हम ये भी देखेंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या होता है। एक बार जस्ट शॉर्ट में समझा रहा, बाद में पूरे चैप्टर में यही है। तो चैप्टर का सेकेंड पार्ट है हमारा ये रेडिएशन, पर ये भी दो बेसिक है, थोड़ा सा समझा देता हूँ, ध्यान देना। व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन? आप लोगों का बेसिक में भी 8, 9, 10th में साइंस में हुआ होगा, फिर भी एक बार बता रहे हैं। हीट ऑलवेज फ्लोज, हीट का फ्लो कैसे होता है याद रखना, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर। बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, देखो एग्जाम्पल बताओ, सपोज दिस इज अ कप ऑफ टी और कॉफी, हॉट है, ये फ्यूम्स निकल रहे हैं। सो दिस बॉडी इज एट हायर टेम्परेचर, गर्म है कॉफी या टी, और सराउंडिंग है एट लोअर टेम्परेचर। तो हीट फ्लो होंगी फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। इसको ऐसा समझो कि अगर आपने एक कप ऑफ टी लिया है गर्म एकदम हॉट, या कॉफी है हॉट कॉफी है, और हमने उसको रूम में रख दिया, तो ये है रूम यानी उसका सराउंडिंग विच इज एट लोअर टेम्परेचर एज कम्पेयर टू दैट कॉफी और टी विच इज हॉट, हायर टेम्परेचर एच लिखा है, ठीक है ना। अगर इसको आप थोड़ी देर छोड़ देंगे तो क्या होगा, अगर आप उसको थोड़ी देर वैसे ही छोड़ दें तो क्या होगा, कॉफी धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी। सो हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। दूसरा एग्जाम्पल है, ये कंटेनर है जिसमें है कोल्ड वाटर, फ्रिज से निकाला हुआ कोल्ड वाटर है सब। नाउ कोल्ड वाटर है सो इट इज एट लोअर टेम्परेचर। अब इसके कंपैरिजन में जो हमारा रूम है, अभी गर्मी का सीजन है गर्म है, तो रूम है एट हायर टेम्परेचर। अगर आप एक कोल्ड वाटर से भरा हुआ जग या ग्लास या मग हमने एक रख दिया है रूम में, रूम का टेम्परेचर ज्यादा है और उसका टेम्परेचर कम है, तो धीरे धीरे पानी वो गर्म हो जाएगा, इतना ठंडा नहीं रहेगा, ठीक है। आप लोग देखो फ्रिज में जब देखते तो पानी बहुत ठंडा है, आप उसको थोड़ी देर बाहर निकाल के रख दो तो वापस से वो गर्म हो जाएगा। क्यों होगा, बिकॉज हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम द सराउंडिंग विच इज एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी विच इज एट लोअर टेम्परेचर। तो यहाँ हीट फ्लो हो रही थी टी और कॉफी टू सराउंडिंग, यहाँ फ्लो हो रही फ्रॉम सराउंडिंग टू द कोल्ड वाटर, इसीलिए इसका टेम्परेचर हीट एब्सॉर्ब कर रहा हूँ, हीट इधर से इधर जा रही है, इसकी हीट बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा, तो कोल्ड वाटर फिर कोल्ड नहीं रहेगा, धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। तो वही बोल रहे हैं हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। तो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है। ये प्रोसेस कब तक चलेगी हीट फ्लो की, जब तक समझो सराउंडिंग का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, तो जब तक इसका भी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस चलती है। यहाँ पे भी सपोज सराउंडिंग का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, इसका था समझो 4 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस, तो जब तक इसका भी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस नहीं होता तब तक ये फ्लो चलता रहेगा। एक बार दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर पे हो गई तो फिर हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि हीट फ्लो बंद हो जाए, समझ में आ रहा है। तो पहले ये 80 डिग्री सेल्सियस पे था हॉट टी और हॉट कॉफी, फिर धीरे धीरे हीट फ्लो होगा फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द सराउंडिंग विच इज एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है। और टेम्परेचर फिर इसका हीट बाहर निकल रही ना, तो धीरे धीरे कम, कब तक, जब तक दोनों का मैच नहीं होता। यहाँ पे ये था पहले समझो 5 डिग्री सेल्सियस, फ्रिज में से निकाला, फ्रिज में जनरली नीचे 4 डिग्री सेल्सियस रहता, फ्रीजर में 0 डिग्री सेल्सियस है समझो, तो ये 5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। कोल्ड वाटर सराउंडिंग का 30 डिग्री, अब ये पानी उसकी हीट एब्सॉर्ब करेगा, मतलब हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम द पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर, और धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, कब तक, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, एक
एक बार दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया फिर टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हॉट कॉफी थोड़ी ठंडी हो गई सराउंडिंग के जितनी, यहाँ जो कोल्ड वाटर था वो गर्म हो गया इसके जितना, सराउंडिंग के जितना, तो दोनों केसेस आ गए। तो जब तक टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, टेम्परेचर डिफरेंस जब तक है तब तक हीट फ्लो होंगी। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम द पॉइंट एट हायर टेम्परेचर या बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। और भी एग्जाम्पल बताऊंगा, तो हीट फ्लो होती है तो फिक्स होगा, हीट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो उसके तीन अलग अलग तरीके हैं, वही तरीके हम लोगों ने यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। दीज आर, इनको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी हीट ट्रांसफर होंगी फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। और ये तीन तरीके हैं, जैसे हम है अमरावती में, हमको जाना है बडनेरा, तीन अलग अलग तरीके हैं। आप बाइक से जा सकते, आप कार से जा सकते, ठीक है, या आप ऑटो से भी जा सकते। तो तीन अलग अलग मोड्स हैं हमारे पास जाने के, ए टू बी। उसी तरह हीट फ्लो होती फ्रॉम द पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर, और ये तीन तरीके हैं। तो इनको बोलेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो एक लाइन लिख लेते हैं यहां पे, दीज थ्री आर मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, और हीट हमेशा फ्लो होती फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, ये याद है। तो ये एच मतलब हायर टेम्परेचर और ये लोअर टेम्परेचर। अब तीनों को एक एक को स्टडी करेंगे, पहले कंडक्शन बता देना, फिर कन्वेक्शन देखेंगे, और फिर लास्ट में रेडिएशन देखेंगे, और फिर पूरे चैप्टर में हमारे रेडिएशन ही रहेगा। तो याद रखो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर या पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, और उसके तीन अलग अलग तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब कंडक्शन देखते हैं, ये होता सॉलिड्स में, लिक्विड और गैसेस में भी होता पर निग्लेक्ट कर देंगे उसको, वो बाद में समझाएंगे। तो कंडक्शन होता सॉलिड में, देखो ध्यान दो, ये है एक रॉड, मेटल का रॉड, ठीक है, हम यहां उसको हीट कर रहे हैं, एक जगह पे हीट कर रहे हैं, ये यहां पे हम उसको हीट कर रहे हैं। Now, जैसे जैसे ये गर्म होगा तो ये हो गया पॉइंट एट हायर टेम्परेचर, ये हो गया पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर, समझ में आया ना। तो अगर आप एक रॉड ले मेटल का और उसको यहाँ आग के ऊपर रख दे, ठीक है, थोड़ी देर मेरे को यहाँ पे हाथ में गर्म नहीं लगेगा, थोड़ी देर और नहीं लगेगा, थोड़ी देर और नहीं लगेगा, पर एक कंडीशन ऐसी आएंगी कि थोड़ी देर बाद मेरे को यहाँ पे भी गर्म फील होने लग जाएगा, क्योंकि हीट फ्लो हुई है फ्रॉम द पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर। और जो रॉड लिया है मेटल का वो क्या है, सॉलिड है, ठीक है, मेटल, ठीक है, ये ऐसे। आप लोग देखो प्रेशर कुकर, अगर आप लोगों ने देखा होगा, जैसा भी कुकर देखे लो, यहां पे उसके प्लास्टिक का हैंडल रहता, दिस इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, देखो हैंडल दिया रहता प्लास्टिक का। अगर आप लोगों ने पैन भी देखा होगा, फ्राइंग पैन वगैरह, तो उसमें भी साइड में ऐसे प्लास्टिक का हैंडल दिया रहता। क्यों प्लास्टिक के हैंडल दिए रहते, क्योंकि जब ये मेटल का बना हुआ प्रेशर कुकर या मेटल का बना हुआ ये पैन और ये उसका रॉड जब आग पे रखेंगे तो यहाँ तो फ्लेम मिल रही, तो ये पॉइंट हो गया हायर टेम्परेचर, यहाँ पे गर्म कर रहे हैं, ये पॉइंट है हायर टेम्परेचर, हीट विल फ्लो फ्रॉम द पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर। और थोड़ी देर बाद वो हैंडल भी बहुत गर्म हो जाएगा और हम उसको अगर पकड़ के उठाने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए वहां पे प्लास्टिक के हैंडल प्रोवाइडेड रहते हैं। प्रेशर कुकर में भी देखना आप लोग और फ्राइंग पैन में भी देखना, या दूध गर्म करते हैं हम लोग तो देखना घर वाले फिर उसको कपड़े से या वो क्या बोलेंगे उसको ग्रिप के लिए वो पकड़ के उसको फिर उठा के नीचे रखेंगे, तो प्लास्टिक हैंडल प्रोवाइडेड रहते या फिर हम कपड़े का यूज करके उसको उठा के नीचे रखते, ये देखो समझ में आ रहा। तो यहां मेटल में हीट फ्लो हो रही फ्रॉम द पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है वो टाइटली बाउंडेड है, आप समझना आगे।
तो इस रॉड के जो मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे अरेंज है, देखो सब कुछ ही मॉलिक्यूल बता रहे, ये और ये और ये, ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स लाइन से बना लिया। हम इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे हीट कर रहे हैं, इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे हीट कर रहे हैं हम लोग। तो मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़ के नहीं जा रहे हैं, ये मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी तो उसके वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल अपनी जगह पे वाइब्रेट हो रहे, ध्यान रखना। तो ये सभी मॉलिक्यूल पहले सेम इससे वाइब्रेट हो रहे थे, पर जैसे ही इसको हीट मिली इसके वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे, इसकी एनर्जी बढ़ गई, ये एनर्जी फिर बाजू वाले को ट्रांसफर करेगा, वो अपने बाजू वाले को हीट ट्रांसफर करेगा, वो अपने बाजू वाले को हीट ट्रांसफर करेगा, वो अपने बाजू वाले को एनर्जी, फिर वो और फिर आखिर तक एनर्जी पहुंचेंगे। यानी मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़ के नहीं जा रहे, वो अपनी जगह पर ही वाइब्रेट हो रहे हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स याद रखना, सॉलिड के हो या लिक्विड के हो या गैस के हो, गैस तो फ्री है मूव हो रहे, पर सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर वाइब्रेट हो रहे, ध्यान रखना। अब अगर उनको हीट करेंगे सॉलिड को तो वाइब्रेशन बढ़ेंगे, वाइब्रेशन बढ़ेंगे और एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, सॉलिड कन्वर्ट हो जाता लिक्विड में। फिर लिक्विड को हीट करो, वाइब्रेशन और बढ़ेंगे, मॉलिक्यूल एक दूसरे से और दूर जाएंगे और वो कन्वर्ट होते गैस में। तो हम बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूल वाइब्रेट हो रहे, तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूल सब पहले सेम इससे वाइब्रेट हो रहे थे। जब आपने एक जगह हीट करना शुरू किया तो उस मॉलिक्यूल, उस जगह जितने भी मॉलिक्यूल है उनके वाइब्रेशन बढ़ गए, उनको एनर्जी ज्यादा मिली। अब वो मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़ के नहीं जाएंगे और वो बाजू वाले को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, फिर वो उसके बाजू वाले को ट्रांसफर करेगा, वो उसके बाजू वाले को ट्रांसफर करेगा, और हीट फ्लो होंगी फ्रॉम द पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर। तो पार्टिकल हीट, मॉलिक्यूल हीट ट्रांसफर कर रहे बिना मूव हुए, उसको बोलते हैं कंडक्शन, क्योंकि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स टाइटली बाउंडेड है। तो अब डेफिनेशन सुनना कंडक्शन की, व्हाट इज कंडक्शन। कंडक्शन पहली लाइन सबने कॉमन है, कंडक्शन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, कन्वेक्शन वही, रेडिएशन वही, तरीका देखना चाहिए। कंडक्शन पहला पॉइंट सेम डेफिनेशन में, कंडक्शन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ द पार्टिकल, विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ द पार्टिकल। ये लास्ट लाइन याद रखना, कंडक्शन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के नहीं जा रहे, वो पार्टिकल को एनर्जी मिली, उसके वाइब्रेशन बढ़ गए, इसके वो बाजू वाला धीरे वाइब्रेट हो रहा, इसकी एनर्जी इसको मिली तो इसके भी वाइब्रेशन बढ़ गए, फिर वो उसके बाजू वाले को एनर्जी ट्रांसफर करेगा। पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के नहीं जा रहे, एक पार्टिकल बाजू वाले को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, फिर वो पार्टिकल उसके बाजू वाले को एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के नहीं जा रहे और हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ द पार्टिकल, और ये होता सिर्फ सॉलिड में। तो याद रखना कंडक्शन टेक्स प्लेस इन सॉलिड। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, प्रेशर कुकर है, मेटल पैन्स है, कढ़ाई देख लो, तवा देख लो, तवा को हम गैस पे रखते हैं, बीच में खाली आग लग रही उसके, तो बीच वाले पोर्शन गर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं है, फिर धीरे धीरे पूरा तवा भी गर्म होता। तो जब तवा ऊपर चढ़ा देते, तो तवा रखते सिर्फ उस पर रोटी नहीं डाल देते, क्योंकि अभी वो पूरा गर्म नहीं हुआ है, सेंटर वाला पार्ट थोड़ा गर्म हुआ होगा तो आजू बाजू में रोटी कच्ची रह जाएगी। तो तवा रखने के बाद थोड़ी देर रुकते, ठीक है, और फिर उसमें चपाती डालेंगे या रोटी डालेंगे, जो भी आप लोग बोलेंगे, तो फिर वो गर्म हो जाता एक जैसा पूरा, क्योंकि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स, कंडक्शन गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अभी हीट की बात कर रहे हैं, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये हो गया हमारा कंडक्शन। व्हाट इज कंडक्शन, कंडक्शन डेफिनेशन है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल माइग्रेट नहीं हो रहे अपनी जगह से, जगह छोड़ के नहीं जा रहे, ये जो एरो बताया है वो सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। फिर से देखो, तो पार्टिकल वही है, पार्टिकल अपनी जगह नहीं छोड़ रहे, एनर्जी रेड कलर से देता, ये इसको एनर्जी देगा, 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 ये इसको, और ऐसे करके लास्ट वाले पार्टिकल तक एनर्जी पहुंचेगा। सो कंडक्शन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर, आगे की लाइन सुनना, विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल जगह छोड़ के नहीं जा रहे, माइग्रेट नहीं हो रहे, विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल खाली एनर्जी आगे भेजेंगे, पार्टिकल खुद मूव होने वाले नहीं है, ध्यान रखें। तो इट टेक्स प्लेस इन सॉलिड।
तो ये कंडक्शन हो गया हमारा, ये देखो। फिर कन्वेक्शन पे चलते हैं, आप देखते हैं कन्वेक्शन, कंडक्शन हो गया कन्वेक्शन पे। कन्वेक्शन जो है वो होता लिक्विड एंड गैसेस में, कन्वेक्शन होता लिक्विड और गैसेस में। सपोज एक कंटेनर ले जिसमें हम पानी ले लें, आप लोगों ने शायद देखा नहीं होगा हीटिंग रॉड्स भी आते थे, अभी भी आते बोला, आप तो सबके घर में गीजर्स आ गए, गीजर में भी यही लॉजिक रहता, एक कॉइल रहती, ये ऐसी कॉइल है जो लाल कलर से बनाया वैसी कॉइल है समझो, और यहाँ पे समझो उसका हैंडल है और इसमें प्लग लगा हुआ रहता था। तो पहले पानी गर्म करने के लिए जनरली हर घर में यही हीटिंग रॉड ही यूज होते थे कॉइल के जैसे ये, और आजकल जो हम हीटर या गीजर यूज करते बाथरूम में उसमें भी यही लॉजिक रहता, दो कॉइल्स रहते पानी उसमें गर्म होता, ठीक है। जब इसमें से रेजिस्टेंस ज्यादा है, जब करंट पास करेंगे तो हीट जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक करंट वाला लॉजिक, ठीक है। तो वो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, इस कॉइल का रेजिस्टेंस रहता हाई जिसकी वजह से जब उसमें से करंट पास करेंगे तो हीट जनरेट होगी और हमारा पानी भी गर्म होगा। अच्छा, ये रॉड यहीं तक है, देखो इसके नीचे पानी है पर रॉड वहां तक नहीं जा रहा, रॉड खाली हमने ऊपर ही रखा है। एक चीज याद रखना, प्योर वाटर का मतलब हम जो घर में यूज करते वो नहीं, पहले ही बता रहा, प्योर वाटर का मतलब हम फिजिक्स में लेंगे डिस्टिल्ड वाटर जिसमें सॉल्ट वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ वाटर है। प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सर क्या बोल रहे हैं आप, वाटर तो बोलते कि इलेक्ट्रिक केस में गीले हाथ मत लगाओ या इलेक्ट्रिक से आग लगी होगी तो उसमें पानी मत डालो, और आप बोल रहे हैं इज अ बैड कंडक्टर। सही है, किसी ने बोला प्योर वाटर तो याद रखना इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट इज ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप एक कंटेनर ले जिसमें प्योर वाटर है और उसमें अगर मैं एक वायर डाल दू, ये इलेक्ट्रिक वायर, और अगर आप मेरे को बोलेंगे उसमें उंगली डालने के लिए तो मैं डालने को तैयार हूं क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। हम जो घर में पानी यूज करते पीने के लिए या नहाने के लिए, जो हमारे घर में पानी आता उसमें सॉल्ट्स भी है, वो सॉल्ट्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। अगर ये हमारे घर में जो पानी आता वो है तो फिर आप मेरे को अगर उसमें उंगली डालने के लिए बोलेंगे तो मैं डालने वाला नहीं हूं क्योंकि इस वायर में से जो करंट है वो मुझ तक पहुंच जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि सॉल्ट्स है, सॉल्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। 3 days में देखा होगा ना, सॉल्टी वाटर, प्योर वाटर नहीं, सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट प्योर वाटर अगर मैं बोलू, प्योर वाटर का मतलब हमारे इसमें होता डिस्टिल्ड वाटर, घर में जो पीते वो भी हम प्योर वाटर ही बोलते बट उसमें सॉल्ट्स है, हम प्योर वाटर बोल रहे हैं, मतलब हम बोल रहे हैं डिस्टिल्ड वाटर जिसमें सॉल्ट्स नहीं है, जो हम बैटरी में डालते देखा होगा ना डिस्टिल्ड वाटर वैसा। तो अगर डिस्टिल्ड वाटर में आप इलेक्ट्रिसिटी वाली वायर डाल दे और मेरे को एक तरफ हाथ डालने के लिए बोले तो मैं तैयार हूं, डाल सकते बिकॉज इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पर हमारे घर में जो पानी आता, नल में बोलो या कुएं में बोलो या बोरिंग से बोलो, उसमें सॉल्ट्स है। अगर इधर इलेक्ट्रिक वायर है और आप हाथ डालेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, जैसे आप लोगों ने बहुत बार पेपर में न्यूज में देखा होगा कि कूलर में किसी ने टच किया तो उसको शॉक लगा, तो पानी है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, वो क्यों करेगा, क्योंकि उसमें सॉल्ट्स है। अगर प्योर वाटर है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, एंड इट इज ऑल्सो अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वो भी समझा था, ठीक है, ये याद रखना, भूलना नहीं कि प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट इज ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप रॉड डाल दें इतना तो पानी इतना ही गर्म होगा, नीचे वाला पानी ज्यादा गर्म नहीं होगा, थोड़ा सा इस लेयर के आजू बाजू वाली लेयर का थोड़ा सा पानी गर्म होगा कंडक्शन की वजह से। फिर से बोल रहा, कंडक्शन सिर्फ होता सॉलिड में बट कभी कभी थोड़ा सा, जैसे एक लेयर गर्म हो रही तो उसकी जस्ट कॉन्टेक्ट वाली लेयर थोड़ी सी गर्म हो जाती बस, तो लिक्विड और गैसेज में एक अप टू सम एक्सटेंट, पर निग्लेक्ट करो तो याद रखो कंडक्शन सिर्फ होता सॉलिड में। तो लिक्विड में जो नीचे है पानी वो अभी भी ठंडा है,
तो जब रॉड से पानी गर्म करेंगे ऐसे डाल के ऊपर से, तो इतना ही पानी गर्म होगा जितना रॉड है, नीचे वाला पानी गर्म नहीं होने वाला, क्योंकि वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, एंड याद रखना इट इज ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मगर कौन सा वाटर? प्योर वाटर। प्योर वाटर मतलब डिस्टिल्ड वाटर, हम जो घर में पानी यूज करते, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज उसमें सॉल्ट्स है, वो सॉल्ट्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर हम जब गैस के ऊपर पानी रखते तो वो पूरा कैसे गर्म हो जाता? मैं यहाँ बोल रहा हूँ ऊपर का पानी गर्म होगा, नीचे का गर्म नहीं होगा। जहां तक रॉड है वही पानी गर्म होगा, नीचे का पानी गर्म नहीं होगा। ठीक है, ऐसा क्यों? गैस पे रखेंगे तो फिर पूरा क्यों गर्म होता, वो आप समझ रहे। तो यहां से कंडक्ट नहीं होने वाला, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पर जब गैस पे रखते तो पूरा पानी गर्म कैसे होता वो समझ रहे। ये मिटा, तो याद रखना अगर आप रॉड डालेंगे तो जहां तक रॉड है उतना पानी गर्म होगा, हो सकता है उसके पास वाली लेयर थोड़ी सी गर्म हो जाए बिकॉज ऑफ कंडक्शन, पर याद रखना कंडक्शन सॉलिड में होता, लिक्विड में थोड़ा सा माइनर, एक लेयर से दूसरी लेयर बस। अब नीचे वाला पानी ये जितना गर्म है, नीचे वाला पानी उतना गर्म नहीं हुआ है, वो ठंडा ही रहेगा, क्योंकि वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर ध्यान रखना ना। फिर हम गैस पे रखते देखते क्या होगा, ये कंटेनर लिया हम लोगों ने, इसमें हमने वाटर डाल दिया, अब हम रॉड की जगह नीचे से हीट करेंगे यहां से, फिर पूरा पानी कैसे गर्म होता वो समझो। ये हमने गैस से रख दिया, अब पूरा पानी कैसे गर्म होगा वो समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, इतनी लेयर गर्म होंगी पहले, नाउ दिस इज एट हायर टेम्परेचर, ये वाली लेयर गर्म होते समझो, नीचे आग लगाया हम लोगों ने, गैस के ऊपर रखा है, तो नीचे वाली लेयर पानी की पहले गर्म होगी, नीचे वाली लेयर पहले गर्म होगी। अब गर्म होने की वजह से वो लेयर थोड़ी एक्सपांड होगी, एक्सपांड हुई मतलब डेंसिटी कम हो गई, लेयर एक्सपांड हुई मतलब डेंसिटी कम, तो डेंसिटी कम हो गई तो ये लेयर के मॉलिक्यूल्स अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, तो पार्टिकल मूव हो रहे, मैंने पहले यहां बताया था पार्टिकल मूव नहीं हो रहे, यहां पार्टिकल मूव हो रहे, नीचे वाली पानी की लेयर गर्म हुई है, गर्म होने की वजह से वो लेयर एक्सपांड हुई है, एक्सपांड होने की वजह से उसकी डेंसिटी कम हो गई, और जिसकी डेंसिटी कम है वो नीचे नहीं वो ऊपर चला जाएगा, फ्लोट होगा वहां पे, तो जिसकी डेंसिटी कम हो गई वो लेयर ऊपर चली जाएंगी और उसकी जगह आ जाएगा ठंडा पानी वापस से, फिर यहां नई लेयर आएगी, वो लेयर गर्म होगी, वो गर्म होकर एक्सपांड होगी, उसकी डेंसिटी कम और वो लेयर ऊपर जाएंगी और ठंडा पानी नीचे, तो ये प्रोसेस साइक्लिक कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, जिसकी वजह से पूरा पानी गर्म होता। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलती रहेगी, तो पार्टिकल मूव हो रहे हैं, एनर्जी लेके जा रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर, माइग्रेट हो रहे पार्टिकल, जबकि मैं यहां बोल रहा था पार्टिकल माइग्रेट नहीं हो रहे, तो गैसेस और लिक्विड में कन्वेक्शन होता, तो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज जैसे मैंने समझाया था वो भी वैसे ही होता। ठीक है, हवा ब्लो होती फ्रॉम द पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर और अपने साथ एनर्जी लेके जाएंगे, तो हवा में भी वैसे ही होता और लिक्विड में भी वही हो रहा, कन्वेक्शन करंट, इनको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट, जो पानी फ्लो हो रहा यहां से नीचे गर्म होकर ऊपर जाएगा और ऊपर से ठंडा पानी नीचे, ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहेगी और पूरा पानी धीरे धीरे गर्म होता रहेगा, इसीलिए पूरा वाटर बॉइल होगा अगर हम यहां रखेंगे, अगर सिर्फ ऊपर रॉड डाल के गर्म करेंगे तो सिर्फ ऊपर वाला पानी गर्म होगा। ये याद रखना, ये जो फ्लो बताया मैंने एरो से, दे आर कॉल्ड कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट। अब कन्वेक्शन की डेफिनेशन सुनना, कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, फर्स्ट लाइन कॉमन, फ्रॉम द पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर, ये गर्म हो रहा यह हायर टेम्परेचर, ये लोअर टेम्परेचर, विद एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल खुद एनर्जी लेके जाएंगे, पार्टिकल माइग्रेट होंगे, सो इट इज taking place with actual migration of the particles, this is called convection, ठीक है, it takes place in liquid and gases, okay, आगे third वाले पे चलते हैं, radiation, तो ये दो लिख लो पहले, conduction हो गया, convection हो गया, अब लेते हैं हम लोग radiation, वो समझना, इन दोनों केस में हम बोल सकते हैं कि medium is necessary, अगर मैं इसको बीच में से तोड़ दूं रॉड और इधर मैं पकड़ के रखूं ये रॉड गर्म कर रहा, इतना ही पार्ट गर्म होगा, यहां तो गैप है इतना गर्म होगा क्या, फिर नहीं, तो मीडियम होना जरूरी है दो पॉइंट के बीच में, एक हायर टेम्परेचर पे एक लोअर टेम्परेचर पे,
और वो मीडियम है सॉलिड, और यहां भी मीडियम जरूरी है, लिक्विड एंड गैस। अब रेडिएशन के चलते तो याद रखना, तो मीडियम है यहां लिक्विड और गैस है, यहां सॉलिड, मीडियम नहीं हुआ तो ये कंडक्शन और कन्वेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आया ना? जैसे एग्जांपल बता दिया, रॉड को ब्रेक करो, अब इतना रॉड गर्म कर रहे तो यहां तक ही गर्म होगा, ये रॉड कनेक्टेड नहीं है तो यहां गर्म होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। मीडियम नेसेसरी है बिटवीन द पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर, अगर मीडियम हटा देंगे तो फिर हीट फ्लो नहीं होगी, मीडियम जोड़ दिया तो अब हीट फ्लो होगी। तो फिर से सुनो डेफिनेशन एक बार शॉर्ट में बता देता, व्हाट इज कंडक्शन, पहली डेफिनेशन पॉइंट या पहली लाइन कॉमन, कंडक्शन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ द पार्टिकल, और यहां लिखेंगे विद एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, यहां माइग्रेट हो रहे पार्टिकल खुद एनर्जी लेके जा रहे हैं, जबकि यहां पार्टिकल एक दूसरे को खाली एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, यहां माइग्रेशन हो रहा पार्टिकल्स का फ्रॉम द पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर। ये होता खाली सॉलिड्स में, ये होता लिक्विड और गैसेस में, मीडियम जरूरी है। ठीक है, बीच में अगर गैप है तो ये होने वाला नहीं, या इसमें वैक्यूम आ गया समझो बीच में तो भी नहीं होगा, गैप वैक्यूम। ये दो देखो, फिर आगे चलते हैं थर्ड, इसमें रेडिएशन। अब हमारे को पूरे चैप्टर में ये रहेगा रेडिएशन, तो ये जस्ट बेसिक था इसलिए बता दिया, पहले आप लोगों का हुआ है ये, इतना ही टेंथ में हुआ होगा साइंस में, पर अब कंटिन्यूएशन में आगे ले रहे, ध्यान देना। अब थर्ड देखेंगे रेडिएशन, ये है सन सपोज, और ये तो बताने की जरूरत नहीं है, इट इज एट हायर टेम्परेचर, और ये है अर्थ। ठीक है, अर्थ के यहां तक समझो एटमॉस्फेयर है इतना, बट सन से इस एटमॉस्फेयर तक आगे अर्थ तक ये जो इतनी जगह है, यहां है वैक्यूम, क्या है वैक्यूम, यानी ठीक है यहां तो एयर है इतनी एटमॉस्फेयर 400 किलोमीटर तक अर्थ से यहां तक, बट इतनी जगह जो है वहां पे वैक्यूम है, तो ना कंडक्शन होता ना कन्विक्शन होता। फिर भी अगर आप अभी तो गर्मी का सीजन ही चल रहा, देखो 10-11 बजे के बाद थोड़ी देर भी अगर बाहर खड़े हो गए तो कितनी गर्मी लगती, तो हमको जो ये हटा रहा वैक्यूम है बीच में सन से हमको मिल रही हीट एंड लाइट, तो हमको वहां से हीट एंड लाइट मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ, इसको बोलते रेडिएशन। यहां पे क्या हो रहा, पार्टिकल्स एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, यहां पे पार्टिकल खुद मूव होके हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट तक एनर्जी लेके जा रहे हैं, यहां से यहां तक मैंने बताया कोई पार्टिकल नहीं है, अर्थ के आजू बाजू में भले एटमॉस्फेयर है पर इतनी जगह में वैक्यूम है, फिर भी हम तक रेडिएशन पहुंच रहे, या हम बोलेंगे हम तक हीट और लाइट पहुंच रहे, तो इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो वी रिसीव द एनर्जी फ्रॉम द सन, अर्थ पे हम जो एनर्जी रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम द सन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन मतलब वहां से आ रही हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कौन सी वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, याद रखो ये पहला पॉइंट, तो हमको हीट और लाइट मिल रही वहां से इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव्स आ रहे, एंड ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिसको एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर से सुनना एक बार, ध्यान रखो, यहाँ पे सन पे न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, अगर आप लोगों ने सुना होगा न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही, जैसे हम हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में सुनते तो वैसी रिएक्शन सन पे हो रही, तो वहां पे चार्ज पार्टिकल मोशन में है, तो हमने चार्ज पार्टिकल के बारे में पढ़ा है इलेक्ट्रो स्टैटिक्स में, तो चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता, बट सन पे रिएक्शन हो रही जहां पे जैसे हाइड्रोजन बॉम्ब, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बॉम्ब गिरे थे वो न्यूक्लियर बॉम्ब थे, अब आ गए हाइड्रोजन बॉम्ब जो बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो वैसे ही रिएक्शन हाइड्रोजन बॉम्ब के जैसे बहुत सारे रिएक्शन सन के ऊपर हो रहे, तो वहां चार्ज पार्टिकल मोशन में है, चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो याद रखो वो दो टाइप की फील्ड प्रोड्यूस करते, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए इस वेव का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड दे कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू ट्रेवल कर ही सकते हैं, बट दे कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। जैसे इसको चाहिए मीडियम सॉलिड,
इसको चाहिए मीडियम लिक्विड एंड गैसेस, बट रेडिएशन को कोई मीडियम नहीं चाहिए. दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम. रेडिएशन हम तक पहुंच सकते वैक्यूम में भी, याद रखो, क्योंकि वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. जैसे लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वैसे हीट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है. उनको हम हीट रेडिएशन बोल सकते. कौन से रेडिएशन? हीट रेडिएशन. एंड दे हीट ऑल्सो ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट. अगर आप लोगों को याद होगा हुआ है 10^8 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट, यानी हीट की भी वही स्पीड रहेगी 3×10^8 मीटर पर सेकेंड. तो यहां पे हीट ट्रेवल कर रही या एनर्जी ट्रेवल कर रही इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. कौन सी वेव्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. और तक ठीक है. तो अब रेडिएशन की डेफिनेशन सुनना. इट इज द पहली लाइन कॉमन मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. यहां हमने बोला था विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ द पार्टिकल, यहां हम लोगों ने बोला था विद एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ द पार्टिकल. इन दोनों जगह पार्टिकल यानी मीडियम जरूरी है, यहां मीडियम जरूरी नहीं है क्योंकि वो ट्रेवल हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. जैसे हमारे मोबाइल के सिग्नल या सैटेलाइट के सिग्नल, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है, पर उनको रेडियो वेव्स बोलेंगे हम लोग. स्पेक्ट्रम है, आगे जाएंगे उसमें देखेंगे जब आएगा, पर वो भी हमारे रेडियो वेव्स है. तो सैटेलाइट एटमॉस्फेयर के बाहर है, हमारा मोबाइल एटमॉस्फेयर के अंदर है. तो हमारे मोबाइल से सैटेलाइट तक या सैटेलाइट से हमारे मोबाइल तक रेडिएशन आ जा सकते क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है. तो एंटीना हमारे मोबाइल का बोलो या टीवी का एंटीना बोलो या फिर जैसे हम लोग डिश टीवी लगाते हैं उसका सिग्नल बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही रहते वो भी. तो दे ऑल ट्रेवल विद द स्पीड 3×10^8 मीटर पर सेकेंड. तो सन से हमारे तक रेडिएशन आ रहे हैं, ठीक है, यानी कौन से वेव्स आ रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो वो वेव्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब समझना. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी हुआ है, मैग्नेटिज्म हमारा 11th में हुआ है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा ही हो चुका है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है. तो चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है जैसे सन पे है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम तक क्या लेके आएंगी? एनर्जी, हीट एंड लाइट. ये पूरा पढ़ना है हम लोगों को ये चैप्टर में, एंड दैट इज रेडिएशन. फिर से सुनना, रेडिएशन इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. कोई पार्टिकल की जरूरत नहीं है, वो एनर्जी आ रही है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ नहीं चाहिए. दे कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू वैक्यूम. दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सभी हीट लाइट हम मैंने मोबाइल सिग्नल बताया उनको बोलते हैं हम लोग रेडियो वेव्स. फिर हमारे एक्सरेज, आप लोगों ने सुना होगा सन से मिलते हमको यूवी रेडिएशन, क्रीम आते ना यूवी एसपीएफ 15 वगैरह लिखा रहता, सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आते उससे प्रोटेक्ट करने के लिए वो एसपीएफ 15 20 अलग अलग आते हैं. तो वो प्रोटेक्शन के लिए क्रीम लगाते हैं हम लोग, यूवी रेडिएशन. सन से हमारे को यूवी रेडिएशन मिलता, हीट मिलता, लाइट मिलता. फिर हम एग्जांपल देख रहे हैं एक्सरेज, रेडियो वेव्स, ये मोबाइल सिग्नल और एक्सरेज तो सबको ही पता है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. वेवलेंथ सबकी अलग है पर सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और सबकी स्पीड क्या रहेगी? सेम. तो हीट जो रेडिएशन हम तक यहां से यहां पहुंच रहे हैं उनकी भी स्पीड वही है. ये अभी काम के लिए यहां आता है. तो ये हो गया कंडक्शन कन्वेक्शन. इन दोनों के लिए मीडियम जरूरी है. सन से जो हमको हीट मिल रही है, रिसीव द एनर्जी फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो उसको थर्मल रेडिएशन बोलते या हीट रेडिएशन बोलेंगे. थर्मल और हीट रेडिएशन. आप लोग देखो अगर हीटर, ठंडी में अगर कोई हीटर अपने ऐसे जनरली यूज नहीं करते, पर जो ठंडे इलाके है कश्मीर वगैरह या ऐसे कोई जहाँ दिल्ली वगैरह जहाँ ठंडी ज्यादा गिरती होगी, वहां उनके घरों में ठंडी में हीटर रहते हैं. तो इलेक्ट्रिक करंट डाल देते, ऐसे हीटर रहते उसमें और ऐसी कॉइल लगी रहती, तो कॉइल गर्म होती. कॉइल गर्म होने से वो कॉइल आजू बाजू में रेडिएशन फैलाएंगे, हीट रेडिएशन या थर्मल रेडिएशन. रूम में ये जो कॉइल हम गर्म कर रहे हैं, देखना आप लोगों ने शायद देखे होंगे हीटर्स रहते हैं ठंडे इलाकों में, जनरली हीटर्स यूज करने पड़ते हैं ठंडी के टाइम, ऐसे कॉइल्स लगे रहते फिर उसमें से करंट पास करते तो गर्म होती, ठीक है. अपने हीटर गीजर जैसे उसमें पानी गर्म होता, इसमें आजू बाजू की हवा गर्म हो रही,
तो वो कॉइल गर्म हो गई, मतलब रूम के बीच में रखा है, तो इट इज द बॉडी एट हायर टेम्परेचर, रूम है एट लोअर टेम्परेचर, तो उस हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर यानी मैं जो उसके बाजू में बैठा हूं तो मेरे को हीट मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। कैसे मिलेगी हीट? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। उसका एक और एग्जाम्पल बताऊंगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहेंगी, तो सराउंडिंग में बीच में हमने एक बॉडी रखी है एट हायर टेम्परेचर, तो वहां से हमको जो एनर्जी मिल रही वो मिल रही इन द फॉर्म ऑफ हीट और थर्मल रेडिएशन, यानी हीट और थर्मल रेडिएशन। तो ये इनका डिफरेंस। अच्छा ध्यान रखना, ये तीनों तरीके हैं, मोड्स है, जैसे मैंने बताया आप अमरावती से बडनेरा बाइसिकल से भी जा सकते हैं, आप अमरावती से बडनेरा कार से भी जा सकते हैं, आप पैदल भी जा सकते हैं, आप बाइसिकल से भी जा सकते हैं, जैसे भी जा सकते हैं, अलग अलग मोड से यहां से वहां तक जाने के लिए, कुछ स्लो है कुछ फास्ट है। तो अगर इन तीनों को कंपेयर किया जाए तो कंडक्शन सबसे स्लो है, ये जो प्रोसेस है हीट ट्रांसफर की ये सबसे स्लो है, उससे फास्ट ये है, और सबसे फास्ट है रेडिएशन क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो याद रखो स्लो फास्टर देन रेडिएशन, और सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है रेडिएशन, तो ये थोड़ा सा याद रखो। अब पूरे चैप्टर में हम रेडिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो व्हाट इज रेडिएशन? इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से हमको वहां से एनर्जी मिल रही है, ठीक है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, दे कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। अगर हम एक बॉडी रखते रूम में विच इज एट हायर टेम्परेचर, सराउंडिंग लोअर टेम्परेचर पे है, तो हमको उससे हीट मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ थर्मल और हीट रेडिएशन। ये जो रेडिएशन है उनको बोलेंगे थर्मल रेडिएशन या हीट रेडिएशन, एक ही बात। एंड दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे मैंने बताया था रेडियो वेव्स, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज भी आती है उसमें, ये सब एक ही स्पीड से ट्रैवल करते हैं, हीट है लाइट है। हीट को बोलते हैं इंफ्रा रेड रेज, कौन से रेड रेज? इंफ्रा रेड रेज, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर याद रखो हीट आर इंफ्रा रेड, जैसे यूवी रेडिएशन है वैसे इंफ्रा रेड रेडिएशन, हीट इंफ्रारेड रेडिएशन है, लाइट विजिबल रेडिएशन जो हम देखते वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, तो ये वो है लाइट, मतलब वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, रेड तक दिख रहा है क्या? ठीक है, तो इसके आगे जो वेवलेंथ रहेगी वो हीट रेडिएशन, इससे वॉयलेट से कम रहेगी वो अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशन, रेड से ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन, तो वो बाद में हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब ध्यान देंगे एग्जांपल लेते हैं, और जैसे ये कॉइल का मैंने बताया वैसे एक एग्जांपल दूसरा बताते हैं, ध्यान देना बेटा समझना, अब पूरे चैप्टर में रेडिएशन है, यानी एक हायर टेम्परेचर पे बॉडी है, वहां से जैसे रूम में मैंने अच्छा ये बेटा की बना रहा ये कंडक्शन कन्वेक्शन हो गया, अब पूरे चैप्टर में हम लोग रेडिएशन पढ़ने वाले हैं। दोनों एग्जांपल समझना, तो ये है हमारा हीटर जो हमने रूम के सेंटर में या कॉर्नर में रख दिया, समझो इसमें जो कॉइल है वो गर्म होगी, ठीक है, हम यहां बैठे रूम में सेंटर में वो कॉइल रखे जो गर्म हो रही, तो हमको यहां से यहां तक हीट मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। सो बॉडी इज एट हायर टेम्परेचर, तो जो बॉडी हायर टेम्परेचर पे है एज कंपेयर टू सराउंडिंग, तो वो इमिट करेंगी कौन सी रेडिएशन? थर्मल रेडिएशन या हीट रेडिएशन, यानी थर्मल रेडिएशन और हीट रेडिएशन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल दे दो, ये समझ में है ना, बॉन फायर यानी लकड़ियां जला रहे, बॉन फायर आप लोग कैंप में कभी गए होंगे किया होगा, और ये आग लगाई है हमने यहाँ, और हम यहाँ पे बाजू में बैठे हैं, किसी ने पूछा यहां से यहां तक हीट हमको कैसे मिलेगी? आग के बाजू में अगर आप बैठे हैं तो आप गर्मी फील कर सकते हैं, ठीक है, इसका कॉइल का अगर आप लोगों को समझ नहीं आया होगा तो ये तो कभी किया ही होगा कि आग लगी हुई है समझो वहां पे बॉन फायर, तो हम ज्यादा नजदीक बैठ नहीं सकते, बहुत ज्यादा गर्म लगेगा, तो हम थोड़ा दूर जाके बैठेंगे, तो जितना दूर जाएंगे उतना थोड़ा गर्म कम लगेगा। तो देखो यहां से यहां तक हीट कैसे पहुंचे? न कंडक्शन न कन्वेक्शन, भले एयर है पर एयर याद रखना एयर इसके ऊपर की गर्म होंगी हायर टेम्परेचर, तो ऊपर की लेयर लोअर टेम्परेचर पे, तो हीट की वजह से हवा ऊपर की तरफ फ्लो होती साइड की तरफ नहीं जाएंगी ऐसे, ठीक है, तो यहाँ जो हवा गर्म हुई है वो गर्म होकर ऊपर चली जाएगी, यानी क्या हुआ कन्वेक्शन, बाजू में जाएगी क्या कि नहीं अरे यार वहां इंसान बैठा है उसको थोड़ी गर्मी देके फिर ऊपर जाऊंगी,
हवा ऐसा नहीं करेंगे, हवा यहाँ यहाँ गर्म हुई है और वो हवा गर्म होके ऊपर चली जाएंगी क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो गई, इसलिए ऊपर चली जाएंगी और वहां ठंडी हवा आ जाएगी, ठीक है, फिर गर्म होकर ऊपर जाएंगी हवा, तो हमको यहां से यहां तक हीट मिलेंगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो किसी ने पूछा बॉन फायर या हीटर के बाजू में हम लोग बैठे हैं तो हमको हीट कौन से फॉर्म में मिलेगी, तो हमको हीट मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अगर हाँ आप इसके ऊपर जैसे हम कभी कभी होते हैं ना बॉन फायर के ऊपर, या आप लोगों ने कभी सीरियल वगैरह में देखा होगा कि या तो गोश्त लगा के पका रहे या हम लोग देखेंगे कि पॉट वगैरह रख के पानी वानी गर्म कर रहे हैं या खाना पका रहे ऐसे, तो यहाँ थोड़ी क्या आ गया, ये देखो स्टैंड पे हमने पॉट लगा दिया और इसमें हम खाना पका रहे हैं, तो यहां से हीट दो तरीके से पहुंचेगी, एक तो रेडिएशन भी होगा और अब कन्वेक्शन भी होगा क्योंकि हवा गर्म होकर ऊपर जाएंगी और इसको मिलने पर, तो इसमें भले हम कन्वेक्शन ऐड कर सकते हैं और रेडिएशन भी बोल सकते हैं, पर अगर हम बाजू में बैठे हैं तो हमको हीट मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, याद रखना है। हाँ ऊपर अगर कोई चीज रखा है आपने फायर के और भले ही थोड़ी गैप है तो गर्म हवा ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी यानी वहां तक तो पहुंचने वाला है, तो तुम लोगों ने देखा होगा बहुत बार वो सर्वाइवल टेक्निक बताते हैं नेट जियो में या नेशनल जियोग्राफिक वगैरह में, तो वहां पे जैसे मछली वगैरह पकड़े या कुछ जानवर पकड़े तो उसको रॉड डाल के यहाँ पे आग के ऊपर पका लेते हो, तो यहाँ पे ऊपर कुछ रख रहा है तो गर्म हवा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो कन्वेक्शन भी हो रहा और रेडिएशन भी हो रहा, पर अगर हम बाजू में बैठे तो हमको हीट मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। हाँ और अगर मैं इस आग में एक गर्म रॉड डाल के बैठा हूं तो फिर यहां से गर्मी यहां तक भी फ्लो होंगी कंडक्शन, रेडिएशन से मुझे मिल रही पर मेरे हाथ तक पहुंचेगी यहाँ पे कंडक्शन की वजह से, तो ये सब याद रखने का। तो पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले रेडिएशन, अगर आप कोई चीज गर्म करें जैसे लोहा, ठीक है ब्लैकस्मिथ देखा होगा लोहा देखा होगा, तो वो लोहा गर्म करके पीटते तो वो लोहा गर्म करो तो देखा ना डल रेड दिखने लग जाता, रेड दिखने लग जाता, वो लोहे का टुकड़ा भी अगर मैं रूम में बीच में लाके रख दूं तो इट इज एट हायर टेम्परेचर एज कम्पेयर टू सराउंडिंग, तो वहां से हीट हमारे तक आएंगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन और उसको हम बोलेंगे थर्मल और हीट रेडिएशन। तो पूरे चैप्टर में हमारे को रेडिएशन ही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो रही, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट ट्रांसफर हो रही इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, और उस एनर्जी हीट को बोलेंगे हम थर्मल और हीट रेडिएशन, रेडिएशन दे आर कॉल्ड थर्मल और हीट रेडिएशन। स्पीड याद रखो, स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो इतना देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। तो अब पूरे चैप्टर में रेडिएशन ही पढ़ने वाले हैं। अच्छा बचपन में आपने पढ़ा होगा कि लाइट रिफ्लेक्ट भी होती, जैसे मिरर में हम हमारी इमेज देख सकते हैं, तो लाइट का क्या हुआ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन भी होगा, देखा होगा आपको मैंने सुना होगा लाइट स्विमिंग पूल के अंदर यानी स्विमिंग पूल का बेस देख सकते हैं आप लोग, तो एयर से लाइट कहां जा रही पानी में, तो वो रिफ्रैक्शन हो गया, ये है मिरर, लाइट इस पे गिरी, ये भी हुआ है आप लोगों का इतना ही टेंथ में, लाइट रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये है वाटर सरफेस, नीचे है वाटर, ये तो पॉलिश सरफेस है तो रिफ्लेक्ट होकर उधर ही चलेगी, मीडियम चेंज नहीं हुआ, और ये एयर, तो लाइट इस पे गिरी और ट्रैवल करेंगी वाटर के अंदर, मीडियम चेंज होगा या मीडियम चेंज नहीं, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ये भी बाद में है हमको डिटेल में, पर अभी आप लोग बेसिक जो हुआ है वो याद रखो, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। तो हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, अगर लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो रहा तो हीट का भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होगा, और साथ में एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब, लाइट भी एब्जॉर्ब होती है, उसकी एग्जांपल अपने को नहीं पता, अब मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो हीट रेडिएशन या थर्मल रेडिएशन का रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा और एब्जॉर्प्शन भी होगा, तो वो देखेंगे आप अपने, उसके मुझे एग्जाम्पल भी बताऊंगा, तो याद रखना जैसे लाइट वैसे हीट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हीट कैन बी रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड एंड एब्सॉर्ब,
तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, सबके एग्जांपल बताऊंगा। तो ये मिटा रहे थे, फिर पूरे चैप्टर में अब हमारे रेडिएशन ही चलेगा। पूरे चैप्टर में अब रेडिएशन पढ़ने वाले, कॉम्पिटेटिव वाले कंडक्शन और कन्विक्शन जस्ट शॉर्ट में याद रखना, पर तीनों एक साथ नहीं थे, नोट्स में नहीं है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर हम लोग स्टडी करते समय ले रहे हैं कंडक्शन, कन्विक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, कन्विक्शन एंड रेडिएशन तीन तरीके हैं हीट ट्रांसफर करने के। सबसे फास्ट है रेडिएशन, जिसमें कोई मीडियम नहीं चाहिए। कंडक्टर, कंडक्शन में मीडियम था सॉलिड, कन्वेक्शन में लिक्विड और गैसेस, इसमें कोई मीडियम नहीं चाहिए। इट कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से याद रखो। दो, जो बॉडी है हायर टेम्परेचर पे एज कम्पेयर टू सराउंडिंग, वहां से जो रेडिएशन मिलेंगे So radiation is the mode of transfer of heat from the body at higher temperature to the body at lower temperature in the form of electromagnetic waves. They do not require any material medium. They can travel through vacuum and their speed is their speed of light 3×10⁸ meter per second. And the body which is at higher temperature, हमको वहाँ से मिलेंगे कौन से radiation? Thermal or heat radiation. देखते हैं। अब मिटाते हैं आगे। तो अब पूरे चैप्टर में हम लोगों को सिर्फ रेडिएशन है, कंडक्शन कन्विक्शन नहीं है, रेडिएशन। रेडिएशन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दे कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। और जो बॉडी हायर टेम्परेचर पे है वो जो थर्मल रेडिएशन इमिट करेंगी, दे आर कॉल्ड थर्मल रेडिएशन और दे आर कॉल्ड हीट रेडिएशन। हीट रेडिएशन में रिफ्लेक्शन भी होता है, याद रखना, इनको हम रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। ये रिफ्लेक्शन अभी बताया था, रिफ्रैक्शन भी हो सकता और एब्जॉर्प्शन। एक एक एग्जांपल बता, एब्जॉर्प्शन भी देख लेते। अभी गर्मी का सीजन है, आप आपकी गाड़ी की सीट, हम लोग उस पर कवर लगाते हैं जनरली कपड़े का, पर अगर ब्लैक कलर की सीट है जो शोरूम से हम लोग लाते हैं, वो धूप में खड़ी कर दो अभी आधा एक घंटा, देखो कितनी गर्म हो जाती है, क्योंकि वो ब्लैक कलर है। एब्जॉर्प्शन का बता रहा, ब्लैक बॉडी इज गुड एब्जॉर्बर, याद रखना, ब्लैक बॉडी इज अ गुड एब्जॉर्बर, ब्लैक बॉडी इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। तो अगर आप धूप में आधा घंटा भी अभी 11-12 बजे गाड़ी खड़ी कर दो धूप में, और अगर उसकी सीट ब्लैक रंग की, तो आप बैठ नहीं पाएंगे, हाथ गीला करके पानी को घुमाएंगे तो वेपर्स निकलते, इतनी गर्म हो जाती सीट। वो तो विदर्भ वाले हम लोग पता ही है हम लोगों को कि धूप में अगर सीट काले रंग की है तो कितनी ज्यादा गर्म होती। तो याद रखो, ब्लैक कलर इज अ गुड एब्जॉर्बर, हमारे हेयर ब्लैक कलर के है, इसीलिए हम लोग वो स्कार्फ बांधते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ तो अभी तो ज्यादा ही मास्क वगैरह का चल रहा, पर पहले भी फैशन के लिए बांधती थी गर्ल्स, स्टोल बोलते उसको, तो बांधते थे, पर जनरली आप लोग देखो टोपी पहनते या राजस्थान वगैरह में पगड़ी लगाते, वो उसका रीजन वही है कि हमारे जो बाल है वो ब्लैक कलर के है। अगर हम वैसे ही धूप में जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे, ब्लैक कलर, तो दिमाग गर्म होगा। उसको ठंडा रखने के लिए हम लोग टोपी पहनते या स्कार्फ बांध लेते थे, या फिर हम कैप पहनते, या फिर राजस्थान वगैरह में देखा होगा जैसे वहां पे पगड़ी पहनते, तो वो सब उसके लिए ही करते वहां पे। ठीक है, हम लोग गर्मी के दिनों में डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनते,
क्यों नहीं पहनते डार्क कलर के कपड़े? क्योंकि डार्क कलर, जितना डार्क कलर जैसे ब्लैक है, उतनी ज्यादा वो धूप में से हीट एब्जॉर्ब करेगा और उतना ज्यादा हमको गर्म लगेगा। इसीलिए गर्मी के दिनों में जनरली लाइट कलर के कपड़े पहनना लोग पसंद करते हैं। ठंडी में डार्क कलर के कपड़े पहन सकते हैं क्योंकि ठंडी है, हमको तो गर्मी चाहिए, तो डार्क कलर के कपड़े ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो हमको गर्म लगेगा। अभी देखो जैसे 2020 आईपीएल चल ही रहा, आईपीएल में जनरली कलर्ड कपड़े पहनते सब लोग, और शाम को ही मैच हो रहे, दोपहर में भी रहा समझो मैच, तो भी गर्मी तो रहती, पर 20 ओवर एक को फील्डिंग करनी है, 20 ओवर दूसरे फील्डिंग करेंगे, ज्यादा देर रुकना नहीं। पर टेस्ट मैच में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो दोनों टीम व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि अब है तो दिन भर में 90 ओवर्स, तो बैट्समैन सोचेगा मैं 90 ओवर खेलूंगा, फील्डर को अपने को लगना ही चाहिए कि भाई हाँ हमको तो 90 ओवर फील्डिंग करनी है सपोज, तो हमको लाइट कलर के कपड़े पहनने हैं ताकि बॉडी ज्यादा या कपड़े ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करे। इसीलिए टेस्ट मैच में देखो लाइट कलर के कपड़े, तो व्हाइट कलर इज द बेस्ट, व्हाइट कलर मैक्सिमम हीट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देगा, तो व्हाइट कलर के कपड़े पहन के वो टेस्ट मैच खेलते, दोनों भी टीम सेम व्हाइट कलर के कपड़े कलर्ड पहनते वनडे में, या 2020 मैच है तो गर्मी भी रही तो कलर्ड ही कपड़े पहनते क्योंकि ज्यादा देर धूप में नहीं रहने, बट जब टेस्ट मैच खेलते हैं तो 90 ओवर एक फील्ड एक टीम को फील्डिंग करना है, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा करना है। तो ये देखो, तो सीट का जो एग्जाम्पल बताया ब्लैक बॉडी का, वो आप लोगों के ध्यान में आई होगा, एक एग्जाम्पल समझना। सपोज ये है रेड कलर का रोज, मेरी ड्राइंग खराब है, बेकार बकवास, ठीक है चलने दे, जो भी है ये रेड कलर का रोज है। आप लोगों को रेड कलर का रोज रेड क्यों दिखता, ये एक ऐसा सवाल है, ये भी सवाल ये है, ठीक है। तो इस पे जब रेडिएशन गिरते तो इसमें है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सनलाइट, व्हाइट कलर की लाइट बोल सकते, 7 डिफरेंट कलर है। तो जाते समय 7 डिफरेंट कलर इंसिडेंट हुए उसमें, ठीक है, रेड कलर में, और वो बाकी कलर एब्जॉर्ब कर देगा, सिर्फ रेड कलर को रिफ्लेक्ट करेगा। तो हम जब रेड रोज को देख रहे हैं तो वहां से जो रिफ्लेक्ट होके लाइट आ रही हमारी आंखों में जाएगी, तो उसमें खाली रेड कलर जाएगा, बाकी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज सब एब्जॉर्ब हो गए, खाली रेड कलर रिफ्लेक्ट हुआ है, सिर्फ रेड कलर रिफ्लेक्ट हुआ है, तो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में रेड कलर जाएगा, इसीलिए ये रोज हमको रेड कलर का दिखेगा। उसके जो लीफ है वो ग्रीन कलर के है, अब ये ब्लू कलर है, नहीं तो बोलेंगे सर क्या बोल रहे, समझो ये ग्रीन है, ठीक है। अब ये ग्रीन क्यों दिखता, जब हम इस पे रेडिएशन डालेंगे तो उसमें है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो यहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएंगी बाकी कलर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, यहां से खाली रिफ्लेक्ट कौन सा कलर हुआ, ग्रीन, इसीलिए वो लीफ मुझे ग्रीन कलर की दिखेगी, ठीक है। तो डार्क कलर पे जब आप रेडिएशन डालेंगे तो मैक्सिमम रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाते हैं। व्हाइट कलर का अगर कपड़ा पहना है समझो व्हाइट कलर, तो व्हाइट कलर में सभी कलर आ गए, जब आप उस पर इंसिडेंट करेंगे व्हाइट लाइट तो मैक्सिमम रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, इसीलिए गर्मी के दिनों में लाइट कलर के कपड़े यूज करते हैं, डार्क कलर के कपड़े नहीं। तो अगर पहनना जैसे व्हाइट है, क्रीम कलर है, ऐसे लाइट कलर के कपड़े यूज होते हैं ताकि वो मैक्सिमम हीट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर दे। डार्क कलर के कपड़े ज्यादा हीट रेडिएशन एब्सॉर्ब करेंगे, ब्लैक पहनेंगे तो सबसे ज्यादा, जितना ज्यादा डार्क कलर उतने ज्यादा हीट रेडिएशन एब्सॉर्ब होंगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया। अब मान लो ऐसा हुआ सपोज ये रेड रोज है, वो रेड क्यों दिखता मैंने अभी बताई दिया आप लोगों को, ग्रीन कलर ग्रीन क्यों दिखता लीफ वो भी समझा दिया, अच्छा वो क्लोरो फिल जो भी है, क्लोरोप्लास्ट जो भी है, वो हम लॉजिक नहीं देख रहे अभी, हम ये देख रहे हैं कि 7 डिफरेंट कलर्स इंसिडेंट हुए उसमें, जो भी केमिकल होगा वो नहीं, सिर्फ इंसिडेंट हुए 7 डिफरेंट कलर्स, उसमें से सिर्फ रेड रिफ्लेक्ट हुआ है, हम ये देख रहे हैं फिजिक्स वाला लॉजिक खाली, कि उसमें से सिर्फ रेड कलर रिफ्लेक्ट हुआ है और यहाँ सिर्फ ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट हुआ है, तो आंखों में कौन सा कलर जा रहा है, यहाँ से रेड, और यहाँ से आंखों में कौन सा कलर जा रहा है, ग्रीन, तो ये हमको दिखेगा रेड और ये हमको दिखेगा ग्रीन, जो रेडिएशन है, ठीक है। अब मान लो रेड रोज पे मेरे पास समझो, जैसे आप लोग देखा होगा शादी वगैरह में डेकोरेशन में फिल्टर्स रहते हैं, रेड कलर की लाइट, ग्रीन कलर की लाइट, अगर मैं इसमें ऐसी लाइट डालूं जो सिर्फ ग्रीन कलर है,
तो अभी मैंने बताया ये सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता, सिर्फ रेड कलर रहा तो उसको रिफ्लेक्ट करता। अब ये ग्रीन लाइट अगर इसमें डालेंगे रेड रोज पे और वो रिफ्लेक्ट तो कुछ करेगा ही नहीं क्योंकि ग्रीन कलर तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर आप एक रूम ऐसा बना ले, डार्क रूम बिल्कुल अंधेरा, कोई दूसरी लाइट नहीं चाहिए, अब मैं वहां पे एक लाइट लू, टॉर्च लू जो फिल्टर के साथ है जिसमें से सिर्फ ग्रीन कलर मिलेगा हम लोगों को, तो उस रोज पे अगर मैं डालू तो वो रोज अब हमारे को रेड नहीं दिखेगा, वो दिखेगा ब्लैक कलर का। फिर से बोल रहा, रेड कलर का रोज हमें रेड क्यों दिख रहा था, क्योंकि वो बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब कर रहा था, सिर्फ रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा था। ग्रीन कलर हमको ग्रीन क्यों दिख रहा लीफ का, बिकॉज वो सारे कलर एब्जॉर्ब कर देगा, सिर्फ ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जा रहा वो कलर हमको दिख रहा रेड और ग्रीन, ठीक है। बट यहाँ पे मैं डाली ग्रीन कलर रहा रेड रोज पे, तो वो ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, उसने ग्रीन कलर एब्जॉर्ब कर लिया, रिफ्लेक्ट कुछ कर ही नहीं रहा। तो अगर ऐसा रूम बनाए जो डार्क है पूरा, कोई दूसरी लाइट नहीं आ रही, अब हम ऐसी टॉर्च ले जिसमें आगे फिल्टर लगा है जहां से सिर्फ ग्रीन कलर की लाइट मिलेगी और वो रोज पे डालेंगे तो रोज हमको दिखेगा क्योंकि लाइट गिर रही, ग्रीन लाइट गिर रही तो दिखेगा, पर ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब हो गई तो वहां पे हमको रोज दिखेगा ब्लैक कलर का। ये जस्ट बेसिक नॉलेज बता रहा, याद रखना। अब यहाँ पे भी अगर ऐसा करें हम लोग, मान लो ये सब रेडिएशन डालने की जगह कौन सा रेडिएशन डाले इस पे, रेड कलर, तो ये सभी एब्जॉर्ब कर रहा था, सिर्फ ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा था। अब ऐसी रूम लो, पूरा डार्क, डार्क रूम जिसको बोलेंगे, कोई दूसरी लाइट नहीं, दिवाली भी उसकी ब्लैक कलर से पेंट रहती। आप अगर इंजीनियरिंग में या बीएससी एमएससी में गए फिजिक्स में तो आपको डार्क रूम देखने को मिलेंगी जहां पूरा अंधेरा रहता, ब्लैक कर्टन्स रहते, कोई दूसरी लाइट नहीं आ सकती और दिवाली भी ब्लैक कलर से पेंटेड रहती। वहां अगर मैं ग्रीन लीफ पे रेड कलर की लाइट डालूंगा फिल्टर यूज करके, सिर्फ रेड कलर की लाइट जानी चाहिए तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो ग्रीन कलर की लीफ वहां पे भी कौन से कलर की दिखेंगी, ब्लैक। समझ में आ रही है, क्योंकि रेड कलर तो एब्जॉर्ब हो रहा, वो कुछ रिफ्लेक्ट कर पा रहा क्या, नहीं रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो उस पर रेडिएशन डाले हमने पर वो एब्जॉर्ब हो गए, तो रिफ्लेक्ट होके ग्रीन आता तो हमको वो लीफ ग्रीन दिखेगी। अब हमारे पास रिफ्लेक्ट होके कुछ नहीं आ रहा तो वो पत्ता ब्लैक कलर का दिखेगा, याद रखना। अगर मैं इस पे ग्रीन लाइट डालू तो ग्रीन लाइट डालेंगे, ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट होगी, पत्ता ग्रीन कलर का दिखेगा। समझ में आ रहा है, ये थोड़ा सा लॉजिक याद रखना, जितना डार्क कलर है उतने ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगे और जितना लाइट कलर है, जैसे व्हाइट कलर का अगर हम पहन रहे कपड़े तो मैक्सिमम रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, रिफ्लेक्शन भी आ गया होगा, ये एब्जॉर्प्शन है। ब्लैक कलर, अभी बताया एग्जांपल, ब्लैक कलर की सीट धूप में है, अगर आधा घंटा भी रह जाए तो आप उस पर बैठ नहीं सकते, इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है। कुछ चाय की टपरी अगर देखे होंगे आप लोगों ने, चाय की टपरी बोलेंगे तो रोड साइड जो चाय बेचने वाले रहते वो लोग क्या करते हैं, उनकी जो गर्म करने वाली केतली रहती चाय, उसको नीचे से ब्लैक कर देते। क्यों ब्लैक कर देंगे, क्योंकि वो हीट रेडिएशन जो गैस से स्टोव से निकल रहे वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, फटक से एब्जॉर्ब करेगा और चाय जल्दी गर्म हो जाएगी, जल्दी बन जाएगी। हम घर में वो लॉजिक यूज नहीं कर सकते, समझो सब्जी बना रहे काले बर्तन में जिसमें नीचे काला किया हुआ है, यानी ऐसा पॉट और इसमें बेस में हमने काला कलर मार दो, तो एक्चुअली होगा क्या, वो जब गर्म करेंगे हीट अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा, गर्म हो जाएगा जल्दी, एब्जॉर्ब करेगा मैक्सिमम हीट रेडिएशन, जैसे सीट एब्जॉर्ब कर रहे, पर दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा ना, मेहमान आए हुए उनके सामने सब्जी बना के वो या चाय बनाने का जो कंटेनर है वो नीचे से काला काला दिखेगा, अच्छा लगेगा नहीं, इसीलिए हम लोग ऐसा नहीं करते। पर चाय की टपरी पे मैक्सिमम देखना, जो रोड साइड चाय बना रहे हैं उनके, हम लोग ठीक है कॉलेज में चाय की टपरी पे जाए करते थे, हॉस्टल में जब थे वगैरह तो चाय पीने जाना ही पड़ता था, आप लोग भी शायद कॉलेज में जाए ठीक है, तो आप कॉलेज में गए हैं कभी चाय पीने जाए, होटल में नहीं अच्छी, वहाँ तो अपने को पता ही नहीं चलता कि अंदर बना कैसे रहे, वहां पे रोड साइड अगर चाय बन रही होगी तो देखना उनकी जो केतली रहती है वो नीचे से ब्लैक कलर मार के रखते हैं उसको, ये रीजन है। हम लोग फिर से बता रहे हैं, पगड़ी टोपी या स्कार्फ जो भी लगा रहे हैं आप लोग या कैप, वो क्यों यूज कर दे, ब्लैक कलर के बाल है, बहुत ज्यादा हीट रेडिएशन, आप थोड़ी देर धूप में जाके आओ बॉडी जितनी गर्म नहीं लगेगी, बाल उतने ज्यादा गर्म लगेंगे आप लोगों को, क्यों, ब्लैक बॉडी इज अ गुड एब्जॉर्बर, ब्लैक बॉडी इज अ गुड एब्जॉर्बर, ध्यान रखो। इसीलिए हम लोग हमारी गाड़ी की सीट कवर जो ब्लैक कलर की है उस पे कपड़े का दूसरे कलर का कवर लगा देते हैं, तो ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन। बचपन में शायद कभी किया हो कि घर के बाहर खड़े छोटा सा आईना लेके मिरर लेके और घर के अंदर वो उजाला गिरा रहे, उससे रिफ्लेक्शन, उससे भी हीट मिलती है, ठीक है। ऐसे भी कुकर बना सकते हैं आप लोग,
ये देखो ऐसे, इसको पूरा सीवर कर दो जैसे मिरर, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर, कॉनकेव, ठीक है। तो इस पे हीट रेडिएशन, धूप में रख दो इसको, कॉनकेव मिरर बड़ा बड़ा सा कॉनकेव मिरर बनाओ और उसको धूप में रख दो। अब यहां से जो रेडिएशन आ रहा है वो रिफ्लेक्ट होके कहां इंटरसेक्ट होंगे, एक सिंगल पॉइंट पे, ये भी आप लोगों का हुआ है बेटा मिरर्स का, एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे, दैट सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, याद है ना, कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर आप लोगों का, जितने भी रेडिएशन उस पे गिरेंगे वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे, दैट सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो इस कॉनकेव मिरर को आपको धूप में रखना है और फोकस पे एक बर्तन रख दो जिसमें आप लोगों को खाना पकाना है या पानी गर्म करना है, जो भी है। तो यहां से जो रेडिएशन सब आएंगे वो एक ही जगह फोकस होंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन। ये हमारा ब्लैक कलर का जैसे मैंने बताया वो एब्जॉर्प्शन है, व्हाइट कलर के कपड़े मैक्सिमम हीट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देंगे, वो भी रिफ्लेक्शन में आएगा। इसीलिए गर्मी के दिनों में हम लोग लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, डार्क कलर के नहीं। जैसे ब्लैक कलर का पहन के अगर धूप में निकलेंगे अभी गर्मी के सीजन में और ज्यादा गर्म होगा, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन। कुकर बना सकते हैं ऐसा, सोलर कुकर आप लोगों ने देखा ही होगा, प्रोजेक्ट बनाया होगा या 8th-9th में सोलर कुकर पढ़ा होगा, तो डब्बे जैसा बनाते हैं और उसमें एक मिरर लगाते हैं जो रेडिएशन को, बॉक्स बना के लिखना पड़ेगा, ये हमारा बॉक्स, इसको ग्लास से कवर कर दो, ट्रांसपेरेंट ग्लास, और यहाँ रहता मिरर ताकि मैक्सिमम रेडिएशन रिफ्लेक्ट होके यहाँ जो पॉट रखे हैं वहां तक पहुंच सके। और इसको हम ब्लैक कलर से कोट कर देते हैं क्योंकि जो रेडिएशन अंदर आए हैं वो मैक्सिमम रेडिएशन ब्लैक कलर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब, और उसके अंदर जो पॉट रखते वो भी ब्लैक कलर के ही रहते ताकि वो मैक्सिमम रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके। सोलर कुकर, ये भी सोलर कुकर टाइप में है बट यहाँ एब्जॉर्प्शन के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे, मिरर भी है, रिफ्लेक्शन भी होगा और यहाँ पे पूरी तरह रिफ्लेक्शन, यहाँ से इसको भी ब्लैक कलर से बनाते हैं, यहाँ पे जो पॉट रखेंगे ताकि वो मैक्सिमम हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करें। ये हो गया रिफ्लेक्शन, ये हो गया एब्जॉर्प्शन। तो मैंने कपड़ों के बारे में बताया, टेस्ट मैच का एग्जांपल बताया, वनडे का एग्जांपल बताया, टेस्ट मैच में व्हाइट कपड़े क्यों पहनते वो भी बताया। देखो एक बार गाड़ी की सीट का, तो अभी बहुत सारे लोगों को अनुभव आ ही जाता है, धूप में खड़ी है तो हम गर्मी के दिनों में कहीं जाते हैं तो छाव ढूंढते कि कहाँ छाव है यार, वहां गाड़ी पार्क कर दे। अब गाड़ी ब्लैक कलर की होगी तो वाह क्या बात है, ऐसा गर्म हो जाता है यानी आप टच नहीं कर सकते और बैठ तो सकते ही नहीं। हुआ होगा हर एक के साथ होता है ये, हम इधर में हमारे साथ होता ही। तो ये हो गया रिफ्रैक्शन। आप लोगों ने देखा होगा ना कि अगर आप एक कॉन्वेक्स लेंस ले लो, उस पर रेडिएशन डालो, कॉन्वेक्स लेंस धूप में जाके आप लोगों ने किया होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास जिसको बोलते हैं, अगर ये पेपर है और मैग्नीफाइंग ग्लास मेरे हाथ में है तो आप उसको थोड़ा एडजस्ट करो पेपर को आगे पीछे और एक ब्राइट स्पॉट बना लो। तो यहां से जो रेज जा रहे हैं हीट रेडिएशन वो एक ही जगह इंटरसेक्ट होंगे कागज में, इसको बोलते हैं फोकस। जैसे ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो यहां रेडिएशन का क्या होगा, रिफ्रैक्शन, एक जगह जाके इंटरसेक्ट हो रहा है और वो पेपर जल जाएगा। देखो धूप में जाओ तो सादा पेपर धूप में रखेंगे तो गर्म होगा पर जलने वाला नहीं है क्योंकि पूरे पेपर पे रेडिएशन डिवाइड हो गए, ठीक है। अब अगर आप वो रेडिएशन एक जगह फोकस कर दे कॉन्वेक्स लेंस से तो वो पेपर जल जाएगा क्योंकि हीट एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट हो गई। अगर यहाँ पे आप माचिस की तीली भी रखेंगे तो वो माचिस की तीली भी जल सकती है, अगर आपके अंदर मैग्नीफाइंग ग्लास है तो अभी 10-11 बजे बाहर धूप में जाके वो जरा सा फोकस करके देखना, अगर हाथ पे भी करेंगे तो चटका लगेगा, इतना जोर ज्यादा गर्म हो तो हाथ पे भी करके देखना चटका लगेगा जोर से, आपको हाथ हटाना पड़ेगा और पेपर जला सकते हैं, या माचिस की तीली है तो उसके वो जो बारूद वाले पॉइंट पे फोकस करो गर्म होके वो भी जलने लग जाएगा। तो ये यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा, ये एब्जॉर्प्शन बता दिया, ये रिफ्लेक्शन बता दिया। तो हीट रेडिएशन जैसे लाइट का हो रहा वैसे हीट रेडिएशन का भी होता, थर्मल रेडिएशन बोलो या हीट रेडिएशन, रिफ्लेक्शन भी होता, रिफ्रैक्शन भी होता और एब्जॉर्प्शन भी होता। इसका इक्वेशन है और कौन अच्छा रिफ्लेक्टर है कौन अच्छा एब्जॉर्बर है वो तो बता ही दिया, ब्लैक कलर इज अ गुड एब्जॉर्बर, मिरर इज अ, ये कोटिंग है ना, कॉनकेव मिरर है, मिरर ही है ना, इट इज अ गुड रिफ्लेक्टर, मिरर इज अ गुड रिफ्लेक्टर, ब्लैक कलर इज अ गुड एब्जॉर्बर, ट्रांसमीटर एयर, हमारे आजू बाजू में एयर है, सन से हमारे तक रेडिएशन आ रहा है तो एयर इज अ गुड ट्रांसमीटर, यानी पूरी की पूरी एयर को क्या कर देंगे ट्रांसमिट। तो ये यहाँ से देखो जैसे ये ट्रांसमिट हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी आ गया, ट्रांसमिशन बोल सकते इसको, तो रिफ्लेक्शन भी होता, रिफ्रैक्शन भी होता, एब्जॉर्प्शन भी होता, ट्रांसमिशन,
ट्रांसमिट हो गए ना, आर पार चले गए, ट्रांसमिट हो गए, तो ग्लास के थ्रू रेडिएशन पूरे ट्रांसमिट हो गए, तो ट्रांसमिशन भी आएगा, वो भी लिख लेते हैं। ट्रांसमिशन भी स्टडी करेंगे, तो उसका इक्वेशन भी है, इक्वेशन बनाएंगे कि कौन गुड रिफ्लेक्टर है, कौन सा गुड एब्जॉर्बर है और कौन सा गुड ट्रांसमीटर है, या रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, मीडियम चेंज हो रहा, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो एयर इज अ गुड ट्रांसमीटर, क्योंकि सन से जो रेडिएशन आ रहे हैं एयर हम तक आने देती पूरा हीट रेडिएशन, तो एयर इज अ गुड ट्रांसमीटर। और भी एब्जॉर्बर के एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, अभी तो सिर्फ ब्लैक कलर का बताया है, जस्ट जनरलाइज बता दिया मैंने आप लोगों को। अब रेडिएशन का इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन का, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग। ठीक है, सफिशिएंट बन गया है, तो इसके बाद वाला पार्ट जो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो जस्ट बेसिक बताया है रेडिएशन के बारे में, इक्वेशन बनाएंगे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और ट्रांसमिशन का, कि भाई एब्जॉर्प्शन का कि कैसे हो रहा हो उसका इक्वेशन बनाएंगे, फिर रेडिएशन को ही आगे पूरे चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। इतना एक बार अच्छे से देख लो, बेसिक है।